सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल फ्री कोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर आपको लर्निंग्स काफी सारी मिलने वाली है। सब्जेक्ट होने वाला है पाइथन प्रोग्रामिंग, साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और सिक्योर अपना क्लाउड डेटा को, और भी बहुत सारी चीजें। और ये सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई XYZ वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो वहां से जाके आपको लर्निंग का मौका मिलेगा एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक रुपया भी आपको इसके अंदर पे नहीं करना है। सभी कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार एंड नॉलेज आप लोगों के लिए होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यार बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए एंड काफी सारी रिसर्च लगती है। सो प्लीज एक कमेंट कर दो और ये वाली वीडियो को अपनी कम्युनिटी में शेयर जरूर कर देना, जिसके थ्रू वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा पाए एंड आप सब साथ मिलकर ग्रो करो। सो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी वही पुरानी वाली लाइन। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो पाते हो काफी नॉलेज गुडीज एंड स्वैग्स को अर्न करने के। हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं अपन, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट की तरफ से ये कोर्स आ रहा है जो आपका ये ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर एनरोल कर सकते हो। टोटल 5 घंटे का ये कोर्स है, जिसमें आपको पाइथन के बेसिक सीखने को मिलेंगे, और ये जो है बिगिनर लेवल के लिए है, डेवलपर लेवल के लिए। स्टूडेंट्स हो अज्योर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो और विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करते हो, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये आपके लिए होने वाले हैं। बात करते हैं इसके अंदर आपको प्रोग्राम बनाना सिखाया जाएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट पाइथन में बनाना सिखाया जाएगा कैसे बनते हैं, साथ ही साथ स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है, लिस्ट कैसे वर्क करती है, लूप डिक्शनरी एंड फंक्शन। अगर आप अपने प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो ये कोर्स होने वाला है आपके लिए बेहतरीन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएगी, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। नॉर्मली स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट करने के बाद आपको जो है ये पूरी लर्निंग पाथ देखने को मिलेगा, ये सब आपको खुद ब खुद करना है एंड जैसे जैसे कंप्लीट करोगे इन सब के आपको बैचेस भी मिलते जाएंगे, ठीक है। एनरोल करने की सीधी उसी प्रोसेस है। दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपके पास गूगल का अकाउंट हो, सेकंड चीज या तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो। तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मत यूज करना, गूगल अकाउंट यूज करो, क्योंकि उस पर आपको आपके अगर इनकेस कोई सर्टिफिकेशन टाइप का भी सीन होता है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये जितनी भी मॉड्यूल्स दिख रहे ये सब आपको सीखने को मिलेंगे बिल्कुल इसी पाइथन मॉड्यूल के अंदर। यूजिंग गेटअप कोपाइलट विद पाइथन, गेट स्टार्टेड विद जुपिटर नोटबुक फॉर पाइथन, पाइथन एरर हैंडलिंग के बारे में सिखाया जाएगा, फंक्शंस के बारे में सिखाया जाएगा, मैनेजिंग डेटा विद पाइथन डिक्शनरी के बारे में सिखाया जाएगा, यूज व्हाइल लूप और फॉर लूप इन पाइथन के बारे में सिखाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लिस्ट के बारे में सिखाया जाएगा। मतलब जो भी चीज आपको एज ए बिगिनर चाहिए वो इसके अंदर जो है आपको फुल तरीके से सिखाई जाएगी। कैसे स्ट्रिंग का यूज हो सकता है, कैसे बूलियन लॉजिक यूज होते हैं, बूलियन लॉजिक के अंदर काफी सारे लॉजिक्स आ जाते हैं। देन उसके बाद क्रिएट एंड मैनेज प्रोजेक्ट इन पाइथन कैसे करा जाता है, कैसे एनवायरमेंट वर्चुअल एनवायरमेंट पैकेज को डिप्लॉय करते हैं, कैसे आप अपनी डेवलपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हो, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए। नॉर्मली ओवरव्यू पे क्लिक करोगे ये सारी चीज आपको वीडियो के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको जो है वर्डिंग फॉर्म में भी चीजें देखने को मिल जाएगी। अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखे कैसे, कौन सा कंसोल होना चाहिए, कैसे कलेक्ट होता है इनपुट, कैसे वर्क करता है आउटपुट, एक्सरसाइज दे के रखी गई है, समरी भी दे के रखी गई है, जिसके थ्रू आप ओवरऑल की आपने इतने समय क्या सीखा वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देन ऊपर ऊपर जाते हैं तो और आपको बेसिक सीखने को मिलते हैं, कैसे वैलिडेट कर सकते हो कि आपका पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा इंस्टॉलेशन करा है आपने, पाइथन के इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन 3 को इंस्टॉल कैसे करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन के एक्सटेंशंस को, देन कैसे आप अपना पाइथन का पहला एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, कैसे आप चेक करोगे, और फिर अगेन समरी, देन अगेन आपको ये सारी चीजें इसके अंदर सीखने को मिलेगी, ठीक है। अगेन आपको इस कोर्स के लिए पहले से कुछ भी आना जरूरी नहीं है अगर आप बिल्कुल पहली बार स्टार्ट कर रहे हो। सो ये वीडियो जो है और ये कोर्स जो है ये दोनों ही आपके लिए वर्क करेंगे, और अगेन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है तो काफी अच्छी लर्निंग्स का मौका आपको मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड कोर्स की तरफ। तो सेकंड कोर्स होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फंडामेंटल डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट। अगर क्लाउड में आप पहली बार कदम रख रहे हो, क्लाउड के बारे में जानना चाहते हो, क्लाउड के अज्योर सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो एंड अपना AZ 900 माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यार ये जो कोर्स है ये आपके लिए होने वाला है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, बिगनर लेवल के लिए कोर्स होने वाला है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और अजोर, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अगेन आपको स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, अगेन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सेम रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या गूगल अकाउंट।
अगेन बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सीखने को मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, मॉडल्स क्या क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब आपने क्लाउड को शेयर करते हो, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर सिखाई जाएगी। देन सेकंड में बेनिफिट सिखाए जाएंगे क्लाउड सर्विसेज के। देन थर्ड में आपको डिस्क्राइब करा जाएगा क्लाउड सर्विसेज के टाइप को। जैसा मैंने बोला एक बेसिक लेवल का है ये कोर्स, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। रेटिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हो, 4.8 रेटिंग जो है इसके अंदर लोगों को दी है इन लोगों ने कोर्स को, लोगों ने एंड आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा कोर्स था हमारा, छोटू सा कोर्स। थर्ड वाले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, सिक्योर योर क्लाउड डेटा। ये जो है बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डेवलपर लेवल, एडमिनिस्ट्रेटर, अजोर, अजोर की डिवॉल्ट, अजोर स्टोरेज, अजोर कॉस्मोस डीबी, कॉस्मोस डीबी मतलब डेटाबेस है इनका, देन अजोर साइनअप्स एनालिटिक्स, अजोर एसक्यूएल डेटाबेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको टॉप 5 सिक्योरिटी आइटम्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कोई भी पुश करने के लिए चीज़ों को प्रोडक्शन के अंदर, साथ ही साथ आपको उनके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा कॉन्फिगर कैसे करते हैं क्लाउड सर्विसेज को। ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, मतलब इसके अंदर अगर क्लाउड में थोड़ा और डीप जाना है या कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादा लोग जो है बिगनर लेवल पे अभी, एंड या फिर भी इसके बारे में फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ कॉन्फिगर कैसे करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज को, कैसे अपने क्लाउड स्टोरेज अकाउंट को सिक्योर करेंगे, देन कैसे कॉन्फिगर करेंगे आपके Azure की वॉल्ट को, की वॉल्ट मतलब पासवर्ड और जो भी आपके सर्टिफिकेट रहते हैं या जो भी इंक्रिप्शन की रहती है उसे कैसे सेव करना है, देन सिक्योर करना रिसोर्सेज को, देन रोल असाइन करना उसकी बेसिस पे, देन सिक्योर करना अपना एज्योर के एसक्यूएल डेटाबेस को जिसके थ्रू आपका डेटा सेफ रहे, पोटेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाए, ये सारी चीज़ इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी। थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है इसलिए इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए, बट हाँ इसमें आपको बिगनर टू एंड तक पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। ऑटोमेट करना डेवलपमेंट को, टास्क को बाय यूजिंग गिटहब एक्शंस के बारे में, बिगनर लेवल का ये कोर्स से 4.7 रेटिंग्स मिली अब तक, 605 फीडबैक्स देखने को मिले हैं, 7 यूनिट इसके अंदर होने वाली है। इसके अंदर आपको क्रिएट करना सिखाएंगे गेटअप के एक्शंस को, बेसिक गेटअप एक्शंस को, साथ साथ वर्क फ्लो को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप यहां से आराम से पढ़ सकते हो कि कैसे आप जो ऑटोमेट कर सकते हो चीजों को। देन लॉगिन करने के लिए अगेन सेम रहेगा कि आपको जो है इधर जो है अपना अकाउंट का यूज़ करना है, प्री रिक्विजिट से इसके अंदर पहले से आपके पास गेटअप अकाउंट होना चाहिए तभी आप जो इस कोर्स में अपनी चीज़ों को कर पाओगे, और आपको एबिलिटी हो कि भाई आप नेविगेट कर सको एडिटेड फाइल को गेटअप के अंदर। मतलब भाई गेटअप है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टाइप का दिखता है, जब मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ओपन कर दिया है गेटअप को, एंड ये कुछ इस टाइप का दिखता है, बहुत सारी जो बोल सकते हैं कि आप बहुत सारी रेपो दिखेगी, एंड आपके अगर आप नया नया गेटअप स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये मेरी रेपो है। देन आपको इसके अंदर फाइंड करना है कि फाइल कहाँ गई है, देन चीज़ें कहाँ चली गई है, ये सब आपको फाइंड करना पड़ेगा, एंड कहाँ पे पुल रिक्वेस्ट हो रही है, कहाँ पे रिपोजिटरी हो रही है, तो अगेन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है, बट अगर आप ढूंढ पाते हो चीज़ों को तो बिल्कुल ये कोर्स आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर अगेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी, और बहुत छोटा सा कोर्स है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, एंड ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे ये लोग, एंड ये भी ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही होने वाला है। सो ये कुछ कोर्स थे जो मुझे आपको प्रोवाइड करने थे जो आपको बेनिफिट करेंगे अपनी स्टडीज़ में, अपने आने वाले समय फ्यूचर में जॉब, अच्छी जॉब पाने के लिए। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होगी तो अच्छी बोल सकते हैं इनकम वाली जॉब को आप क्लेम कर सकते हो। सो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सारे कोर्स की लिंक आपको जो है मेरे गेटअप लिंक और मेरे ये व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, अगर आप गेटअप यूज़ नहीं करते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं सारी वीडियो की लिंक्स जो है जिसको मैंने अभी आपको दिखाई इस पूरे वीडियो के अंदर वो सारी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यार जल्दी ज्वाइन कर लो, लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।